आज धार जिले में बुधनावर क्षेत्र में कांग्रेस की जनजागरण व पोल खोलो यात्रा पहुंची। इस यात्रा में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी व मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी व साथ ही प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर उपस्थित थे। इस यात्रा का जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। हालांकि यात्रा करीबन 2 घंटे देरी से पहुंचने की वजह से बढ़ती भीड़ पर इसका असर नहीं देखा गया। यात्रा बदनावर के ही ढोलाना से प्रारंभ होकर बदनावर बस स्टैंड पर समाप्त हुई, जहां इस यात्रा ने एक आम सभा को रूप ले लिया। कुणाल चौधरी व जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार को कोसते हुए कहा कि आशीर्वाद यात्रा शिवराज के लिए मौज मस्ती का साधन है। 20 फीट ऊपर रथ से आम जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, यह उचित नहीं है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने कहा कि रुपए 200 में बिजली व मकान के लिए 2.5 लाख रुपए हितग्राहियों के खाते में डालना यह एक छलावा है। ये पोल खोली यात्रा यहाँ इसमें कितनी सफलता मिली है, कितना जन सही मतलब जिस प्रकार से जनता हमारे बीच में आ रही है और लगातार 4 घंटे से ढक जगह जनता का जुस्सा पूरे प्रदेश के अंदर दिख रहा है। ये भरोसा हो चुका है कि ये शिवराज की जबरन आशीर्वाद जो यात्रा थी, जो 20 फीट ऊपर रथ से आशीर्वाद देने निकले, नाटक देने निकले, ऐसे आशीर्वाद से जनता परेशान है और जनता चाहती है कि किसान को गोली फेंको मारी, इसका जवाब चाहती है। जनता चाहती है कि नौजवानों के रोजगार क्यों बेचे, इसका जवाब जनता चाहती है। वो लगातार जनता के जवाब को मांगते हम निकले और जनता का जन समुदाय जिस प्रकार से साथ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी और शिवराज से हिसाब मांग रही मुख्यमंत्री जवाब दो जनता को। जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज ने आवास के लिए 1-1 लाख रुपए डाले हैं, 200 रुपए बिजली का बिल भरा है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि जनता को 13.5 साल लूटने के बाद 15 साल लूट के जिस गरीब का बोले 76 हजार का बिल हुआ, एक झोपड़ी वाले का 76 हजार का बिल हो कैसे सकता है? कितना जनता को लूटा है, आज ये सिर्फ चुनावी घोषणा है, चुनाव के बाद फिर जनता को 5 साल लूटने का लाइसेंस के लिए सिर्फ ये काम धंधे कर रहे हैं, बाकी सिर्फ लूटने का।